हे एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को प्रणाम, जय हिंद। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और बधाई हो आप सभी को निफ्टी और बैंक निफ्टी के नए हाई को लेकर। भगवान करे ऐसे ही चलता रहे। ऐसा तो कुछ कभी पॉसिबल नहीं हुआ कि मार्केट वन वे हो जाए, क्योंकि अगर मार्केट वन वे हो जाए तो फिर क्या ही बात है, बट ऐसा होता नहीं है। एनीवे, वो तो खैर अध्यात्म की बातें हो गई, स्पिरिचुअल की बातें हो गई कि वन वे लाइफ वन वे होनी चाहिए। नहीं, अप एंड डाउन, जिगजैग, इम्पल्स, करेक्शन सबका होना बहुत जरूरी है कि नहीं। लाइफ तो ऐसे ही मजा है ना, कि अब लाइफ में केवल चीनी चीनी हो तो फिर क्या ही मजा। ये बात कहावत भी है कि ज़्यादा चीनी भी अच्छी नहीं है, ज़्यादा गुड़ भी अच्छा नहीं है, और ज़्यादा चीनी भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा मार भी ठीक नहीं है, ज़्यादा प्यार भी ठीक नहीं है। तो जब बैलेंस बना हुआ है सब चीज़ का, तो मतलब नेचर में सब कुछ का बैलेंस होना जरूरी है कि नहीं। इम्पल्स, करेक्शन दोनों जरूरी है। तो अगर इम्पल्स की तरफ मार्केट चल रहा है तो करेक्शन भी आएगा, तभी तो बैलेंस बनेगा सप्लाई डिमांड का, ठीक है। तो एनीवे, आइए चलते हैं और चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम चार्ट है। तो मैं आप लोग को पढ़ाते वक्त हमेशा से ही बोलता हूँ कि जो पैसा सिंगल मूव में है, सिंगल लेग की काउंटिंग में है, वो पैसा आपके 3 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने का मूव में नहीं है। आप वो ग्रैब नहीं कर सकते। देखने में अच्छा लगता है लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है। ये आपको ही पता है कि 6 महीने, मैं कह रहा हूँ, कई बार इस चीज़ को रिपीट कर चुका हूँ। मान लो कि 6 महीने बाद जो है, 3 महीने बाद निफ्टी जो है 30,000 हो जाएगी, या फिर 3 महीने बाद निफ्टी जो है 22,000 हो जाएगा। कहाँ पॉसिबल है? मान लो एक तरह से हो भी गया तो क्या बुक कर पाओगे, होल्ड कर पाओगे? नहीं ना। तो जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन व्यू लेकर चलना चाहिए। तो फिलहाल मार्केट का ट्रेंड ऊपर है, तो ऊपर का ही बात करेंगे। रिवर्सल आएगा तो देखा जाएगा। तो निफ्टी के चार्ट पर हम देखते हैं। तो निफ्टी का चार्ट जो है अपन को लोग देखेंगे। तो जानते हो ये मैंने 5-1 क्यों रखा है? 5-1 इसलिए रखा है ना कि मैंने इस काउंटिंग को ना अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ। मैं इसको ना यहाँ से लेके चल रहा हूँ, यहाँ से। जब ये लो लगा था ना 23 तारीख, मतलब 17 तारीख को, 17 मार्च को, तो उसके बाद से मैं इसको सिंपल तरीके से लेके चल रहा हूँ। मैं इसको पूरे को 1 रख रहा हूँ, इसको 2 रख रहा हूँ, ठीक है। इसको 3, मतलब पूरे स्ट्रक्चर को 3 रख रहा हूँ, इसको 4 रख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मतलब जो इलेक्शन वाले दिन के बाद जो फॉल आया था, इसको वेव 4th कंसीडर कर रहा हूँ। मतलब ये मेरा वेव 4th है, ठीक है ना। इसके बाद जो चल रहा है, तो जब इसके बाद चल रहा है तो नो डाउट इसमें जो मूव आना चाहिए, वेव 5th बनना चाहिए। तो वेव 5th का स्ट्रक्चर जो है कि मतलब इक्वलिटी के हिसाब से चल रहा है, तो मैं इसको ना अभी 5th का 1 रख रहा हूँ। कि मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में अभी निफ्टी में, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं भी गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि लार्जेस्ट चार्ट लेकर देख रहा हूँ, पूरे पिछले 1.5 साल का 2 साल का चार्ट देख रहा हूँ, तो मैं भी गलत हो सकता है। तो सिंगल लेग की अगर बात करते हैं, तो सिंगल लेग में भी हम लोग ये जो मार्केट का जो मूव लेकर चल रहा हूँ, मैं बेफ्यूथ का 1st रख रहा हूँ, बेफ्यूथ का 2nd, और मुझे अब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बेफ्यूथ का 3rd कंसिडर कर रहा हूँ। ये गलत भी हो सकता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ से। तो अगर वे 3rd जा रहा है तो नो डाउट, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि कोई भी इम्पल्स या तो 5 मूव में, पहली बार 5 तो बाद में, पहले वो सिंगल लेग में हो सकता है, मतलब जे शेप में कोई भी इम्पल्स हो सकता है। डेली के टाइम फ्रेम पर, 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर, या 50 मिनट का टाइम फ्रेम पर, किसी भी टाइम फ्रेम पर अगर सिंगल लेग दिख रहा है तो सिंगल लेग काउंट किया जाता है। 5 मूव दिख रहा है तो 5 मूव काउंट किया जाता है। 5 + 4 = 9, 9 + 4 = 13, 13 + 4 = 17, और 17 + 4 = 21, मतलब कोई भी इम्पल्स 21 के मूव्स में जाता है। तो फिलहाल के लिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ, तो 1, 2, 3, 4, 5, और हम लोगों ने बॉटम पे बाय किया। जब मार्केट यहाँ से गई ना, मतलब यहाँ से भी ये तो मूव एक बार मिस हुआ था, ठीक है ना, लेकिन ये तो मूव मिस नहीं हुआ ना हम लोगों से। तो जब मार्केट यहाँ से टूटी, आई थिंक ये वाला मूव जो है मिस हुआ है, ये वाला। हम लोग जब मार्केट से जब गई थी, तब ये हाल हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसमें भी कैप्चर किया था, लेकिन थोड़ा सा मूव जो है हमें मिस हुआ था। और इसके बाद जो हम लोगों ने मार्केट को पकड़ा यहाँ से, मस्त पकड़ा हम लोगों ने यहाँ से। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो यहाँ से हम लोगों ने आपको बेसिकली जैसा पढ़ाता आया हूँ एग्जैक्टली वैसा चल रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, अब आगे देखा जाए तो 1, 5 का 2, 5 का 3 रखा जा सकता है, देखेंगे फिलहाल के लिए। तो इसको जो चल रहा मूव, इसमें 5 मूव है, मतलब 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, और नो डाउट ये 5 है। तो 5 है तो इसमें मैंने 2 चीज अप्लाई की हुई है, एक तो 50% का रिट्रेसमेंट, और यहाँ पर 161.8% का भी एक्सटेंशन डाला हुआ है। ये रिट्रेसमेंट है और ये एक्सटेंशन है। तो दोनों का क्लस्टर कहाँ मिला है? 25,810 और 25,792 क्लस्टर है। फ्राइडे के दिन क्लस्टर पर ही क्लोजिंग हुआ है और उसके नीचे क्लोजिंग आया हुआ है। अब सुनो, अगर
अगेन निफ्टी ने इस क्लस्टर को ब्रेक कर देता है और इस क्लस्टर के ऊपर क्लोजिंग देना है, स्टार्ट कर देता है, तो अगला डेस्टिनेशन क्या है? 26,262, 26,240। तो इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन जो होता है वो कंप्लीट हो चुका है। तीन तरह के डेस्टिनेशन होते हैं। पहला डेस्टिनेशन होता है माइनर डेस्टिनेशन, दूसरा डेस्टिनेशन हमारा इंटरमीडिएट, और तीसरा डेस्टिनेशन हमारा मेजर डिग्री, मेजर डेस्टिनेशन। तो अभी हम लोग इंटरमीडिएट पर हैं। अगर इसके ऊपर आता है, डेली के टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग अच्छा खासा देना शुरू करता है, तो अगला डेस्टिनेशन यही है। फेयर इनफ। तो ट्रेंड क्या कह रहा है? ट्रेंड में अभी कोई चेंज नहीं हुआ है। ट्रेंड अगर ये कंटिन्यू रहा तो 26,000 प्लस ऑन द वे है, ठीक है। अब सुनो, इन केस प्राइस ने रिवर्सल लेना स्टार्ट कर दिया तो कंफर्मेशन कौन देगा? तो कंफर्मेशन के लिए हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे। यहां से लेकर कहां से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे जो है वेव फोर्थ से, यहां से, कि अगर यहां से रिवर्सल आता है तो कैसे रिवर्सल आएगा, तो इस वाले लेग को काउंट करेंगे। तो मैंने क्या किया ना कि यहां पे ट्रेंड लाइन अप्लाई किया हुआ है जिसको बोलते हैं मैच्योरिटी ट्रेंड लाइन, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? आइए पढ़ते हैं कि क्या ये मूव कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। दिमाग में पहले फिट करके चलो कि अगर ये ग्रीन कैंडल है और क्लोजिंग दिया हो तो ये डेस्टिनेशन है, क्लियर ना। अब बीच में फंसे हैं तो ये सपोर्ट रहा और ये रेसिस्टेंस रहा, तो क्या होगा वो हम पढ़ने चलेंगे, ठीक है। समझ आ गया ना कि क्या करना है? 75 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं, अब समझते हैं इसको। ये आपके पास 75 मिनट का टाइम फ्रेम है, नहीं है तो रखो। 75 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 75 मिनट का टाइम फ्रेम है और शुरू से मतलब यहाँ से जो प्राइस ने चला ये इंडिंग डायगनल, सो ये आपका लीडिंग डायगनल है। तो वेव फर्स्ट अगर लीडिंग डायगनल है, सुनना ध्यान से, अगर वेव फर्स्ट लीडिंग डायगनल है तो वेव थर्ड आपकी एक्सटेंशन में जाएगी ही जाएगी, ठीक है। वेव थर्ड अगर एक्सटेंशन में है तो अकॉर्डिंग टू नेचर और रूल्स और गाइडलाइंस कोई भी दो इम्पल्स का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। तो अभी मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसको वन रख रहा हूँ, इसको टू रख रहा हूँ, इसको थ्री रख रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने बाय किया हुआ था और इसको फोर्थ रख रहा हूँ, तो यहाँ से जो प्राइस चला है ना, हम लोगों ने यहाँ पर बाय किया हुआ था, ये 38.2% यही है जो यहाँ से रिटेस्टमेंट डाल लेते ना, जो बोल रहा था कि 38.2% से रिवर्स होना चाहिए और डेफिनेटली 30 क्योंकि एक्सटेंशन था। तो जब एक्सटेंशन, हमेशा ध्यान रखना, एक्सटेंशन के बाद जो फॉल आता है वो 38.2% से जाता ही नहीं है। ये मैंने कई बार देखा है, हुआ ही नहीं मेरे भाई। तो यही रूल है, ठीक है। तो चल पड़ी है, तो ये फिफ्थ है। अब देखो, फोर से फाइव का जो है 161% वह मिनिमम क्राइटेरिया तो बहुत पहले कंप्लीट कर चुका था और फ्राइडे के दिन ये 161% भी चला गया। और अगर इसने कंटिन्यू रखा तो अगला डेस्टिनेशन वही है 25,914 और 25,272 जो हम लोग डेली के टाइम फ्रेम में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बात करूंगा कि अब जब कभी रिवर्सल का दिमाग चले तो क्या करना, पहले सुन लो कि वेव फोर से वेव फाइव की टाइम पीरियड जरूर रखना। मतलब अभी देखोगे तो वेव फोर से फाइव जाने में 49 कैंडल्स लिया है और ये 75 मिनट टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। ये अवली टाइम फ्रेम पे अप्लाई करने की कोशिश मत करना, बस समझा दिया। और ये रूल है, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ से यहाँ तक गया था 49, तो जानते हो जब इस वाले ट्रेंड की जब मेच्योरिटी होगी ना, देखो मैंने डाल क्या रखा है, 24 की मेच्योरिटी डाल रखी है। यही वो ट्रेंड लाइन है जो बताएगी कि वेव फिफ्थ जो है फिनिश हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या करना है, पैटर्न कंफर्मेशन। तो पहला कंफर्मेशन है कि 24 की ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक हो जानी चाहिए अपने हाफ टाइम फ्रेम में। मतलब 49 है तो 49 का हाफ कितना हो गया, 24, 25 कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाले ट्रेंड लाइन टूटनी चाहिए तब जाके वेव फिफ्थ फिनिश होगा। अगर ना फिनिश हुआ ना तो सोच लो अभी बहुत आगे प्राइस जो है खींचेगा, तब जाके ट्रेंड जो है चेंज होगा। पहला रूल है, अगर ये रूल फुलफिल नहीं हुआ तो दूसरा रूल ये है कि टाइम टेकन पीरियड टेकन द रिटर्न फ्रॉम टू से फोर के ट्रेंड लाइन का, टू टू फोर ट्रेंड लाइन। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि अब यहाँ से जो यहाँ तक का मूव गया है 49 है तो 24 में आना चाहिए, रिवर्स करना चाहिए, ठीक है ना। तो जब तक ये वाले ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक करिए तब तक मैं कैसे मानूं कि हमारा वेव फिफ्थ जो है फिनिश हो गया है, नहीं हुआ ना।
तो जब फिनिश नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, तो आपको यही करना है कि आप जो है अभी जो मूव है वो 200% आएगा और 200% की क्लोजिंग देता है तो अगला डेस्टिनेशन और फाइनल डेस्टिनेशन 261.8% ही होता है किसी भी रिप्लेसमेंट का। तो मिनिमम इम्पल्स का जो मिनिमम डेस्टिनेशन होता है 127% और फाइनल 261.8% रिट्रेसमेंट के हिसाब से, ठीक है। अब सुन एक चीज और, जो सबसे बढ़िया एग्जांपल होगा कि इन केस मान लो कि जैसे कि मैंने यहाँ ब्लैक वाला टू रखा है और उसे ईएल रखा है, तो क्या करना कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर वही काम करना कि जब भी ये ट्रेंड लाइन टूटे ना ये वाले जो ब्लैक वाला जो टू रखा है मैंने फोर रखा है तो इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अप्लाई कर देना। अगर ये वाले ट्रेंड लाइन टूटी ना तो भी हम लोग थोड़ा सा इंडिकेशन ले लेंगे कि हमारे जो बेफ्यू थे वो फिनिश हो चुका है, ठीक है ना। अब बट ध्यान रखना कि बेफिफ्थ है ये, बेफिफ्थ में क्या करना है, आपको जो भी दिख रहा है ना आपके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बेफिफ्थ है ना, पूरा डिग्री कंप्लीट हो रहा है, पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो कभी इनकेस अगर दोबारा अगर डाउन ट्रेंड आता है ना, जैसे डाउन ट्रेंड का मतलब है कि अगर ये डाउन ट्रेंड आता है तो हो सकता है कि टूट जाए 127% आ जाए, या फिर हो सकता है ये ट्रेंड लाइन में टूट जाए। ऐसा नहीं कि ट्रेंड लाइन नहीं टूटे, टूटते हैं, अगर ट्रेंड लाइन टूट गया तो भाव फिर वही बेफोर तो खड़ा हो जाएगा, 1000 पॉइंट निफ्टी गई। तो अगर 1000 पॉइंट निफ्टी गई ना तो पोर्टफोलियो कितना पॉइंट जाएगा, पोर्टफोलियो तो 5-7% टूट जाएगा। रिस्क कहाँ के लिए, जब हमें दिख रहा है कि बेफिथ भी है और पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो प्रॉफिट बुक कर लो, करना चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए। पहला क्राइटेरिया है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि मान लो कि प्राइस जो है टूटने डाउन साइड आ रहा है और ज़्यादा टाइम दे रहा है, टूट रहा है लेकिन ज़्यादा टाइम दे रहा है, तो ये पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है कि अब जो है ये खींचेगा। ज्यादा टाइम पीरियड लिया अगर 2-4 के ट्रेंड लाइन ब्रेक करने में, तो जिसको आप पढ़ रहे हो ना, जिसको आप लोग 1-2-3-4 कर रहे हो, 5 कर रहे हो, ये 5 हो जाएगा और टूटा अगर ट्रेंड लाइन नहीं कटा टाइम ऑन टाइम तो ये हो गया क्या 5 और ये हो जाएगा 6 और 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9। समझ मेरी बात, तो अगर ये ट्रेंड लाइन नहीं कटा ना तो ये वाला जो फॉल आएगा ये भी हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। तो जो पोर्टफोलियो बुक किए होगे आप यहाँ से भी ले सकते हो, आप इसके ऊपर भी लेके आप इस अब जब यहाँ पर लोगे तो अब जरूरत नहीं कि आप यहाँ पे काटें, आप यहाँ भी काटेंगे, आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि एक्सटेंशन में क्या होता है कि 3 मूव हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये है कि अभी तो 5 मूव है लेकिन कंडीशन मनोज बता रहा है कि ये कटेगा तो हमें ट्रेंड चेंज होगा, तो काफ़ी दूर की बात है भाई, ये तो तकरीबन 1000 पॉइंट के आसपास की बात हो रही है। तो अगर मान लो कि यहाँ से प्राइस गया, मैं बात कर रहा हूँ कि अभी जो मूव है 900 रख लो, मैं 900-900 रख लेते हैं 900, और फॉल आ गया तो 500 पॉइंट निफ्टी के लिए भी और स्टॉक पोर्टफोलियो के लिए भी खतरे की घंटी होती है, तो इस मूव के लिए भी हम लोग तैयार हो सकते हैं। तो अगर मान लो कि आता है तो अच्छी बात है, मैं इसको लाइव मार्केट में इसको पढ़ाऊंगा, मैं समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल के लिए ऐसे पैटर्न्स को लिए रेडी रहते हैं, ठीक है ना। तो कंक्लूजन क्या निकला कि बेफिफ्थ हैं, अगर पोर्टफोलियो में निफ्टी में आपके ऑप्शन जो कॉल पुट करते हो उसमें अगर पैसे बन रहे हैं तो बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। कहाँ पर बुक करोगे, यहीं कहीं अभी टॉप पर भी मार्केट टॉप पर, या तो यहाँ कर लो या तो 25,900 के आसपास कर लो, दोबारा मौका मिल सकता है, बेफिक्र रहो। ये जो दिमाग में चलता है ना कि मौका ना मिला तो कहीं कुछ हो गया, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस में हो तो कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, लेकिन एज ए भाई के नेचर से चलूं तो मैं मना करूंगा कि आप प्रॉफिट बुक करें, प्रॉफिट बुक करना चाहिए आपको, ठीक है। अगर कहीं फंसते हो तो कमेंट करके बताना कि क्या प्रॉब्लम है, कौन सा स्टॉक फंसा हुआ है, फिर लाइव मार्केट में मिलते हैं, ठीक है ना। आइए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी में क्या पढ़े हो आप, देखो इसमें तो हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भैया ये तो तेजी में, फुल तेजी में, मैं आपको बॉटम से बताता आ रहा था कि बाई करके चलना है, ये मैंने बहुत पहले से समझा रखा था कि ये लोन अभी ये अपने टाइम पीरियड के हिसाब से जितना टाइम मिल गया उतना टाइम मिली, ये हम लोगों ने इस वाले रैली को भी पकड़ा है बढ़िया, ठीक है ना। तो भैया आपको मैंने पहले से अपडेट कर रखा है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो अभी तो मेरे लिए ये सेकेंड है, ठीक है ना। तो अगर सेकेंड है तो मैं थर्ड की तैयारी कर रहा हूँ, बिगर थर्ड के लिए। तब इस थर्ड में भी सुनो, अगर यहाँ से भाव चलना, इस थर्ड में भी ये 1 है और ये 2 है, तो जो फ्राइडे की जो मार्केट देखे हो ना वो थर्ड का ही पार्ट है, इसीलिए मार्केट जो कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा और ब्रेकवे गैप रनवे गैप में मार्केट चली। ये रनवे गैप, यहाँ से जितने जो गैप्स बने हुए रनवे गैप है, ब्रेकवे गैप नहीं है, रनवे गैप है। तो 1 2
थ्री, ये थर्ड है, और थर्ड का भी मिनिमम डेस्टिनेशन कंप्लीट ही नहीं हुआ है, ये भी सुनो, ये जो देख रहे हो ना कि 61.8% मतलब 54,150, ये ही कंप्लीट नहीं, ये मिनिमम क्राइटेरिया, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। तो ये अभी बन रहा है, ये पेंडिंग है और ये पेंडिंग है, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। ये तो पेंडिंग है, ये मतलब अगर ये जो है अभी देखोगे तो ये अपन का मूव जो है 23rd को मुझे लग रहा है कि हाई लग जाना चाहिए 23rd को भी, और अगर यहाँ से भी 23rd का इस टाइम पीरियड में चलते हैं तो 23rd ये भी आ रहा है ना, हाँ 24 को दो डेट हैं, 23 और 24, और एक डेट और भी है जो है अपना सेकेंड अक्टूबर, आई थिंक 2 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी है ना, हाँ 2 अक्टूबर को छुट्टी है, तो वही 3rd आसपास जो है, तब तक तो नेक्स्ट वीक आ ही जाएगा, ठीक है ना। एनीवे अभी ऐसे चलो, 1 है, ये 2 है, ये 3rd है, और 3rd के बाद क्या होगा इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना, मतलब यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी मिनिमम क्राइटेरिया कितना है जी, 54,153 आएगा डेली के टाइम फ्रेम में, ट्रेंड अभी भी ऊपर है, अभी बता रहा हूँ कि ट्रेंड अभी भी ऊपर है, और चेंज करने का तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, जब चेंज होगा तो लाइव मार्केट में पढ़ेंगे, अभी तो चेंज नहीं हुआ ना, तो ट्रेंड के साथ चलते हैं। जितना बढ़िया सीखोगे और इसको चार्ट पे अप्लाई करोगे तो ही ग्रो करोगे, समझ मेरी बात, कॉन्फिडेंस ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है, प्रॉफिट बुक करना आपकी जिम्मेदारी है और उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। तो यहाँ पे चलें बैंक निफ्टी की तरफ, बैंक निफ्टी मैं ये रहा बैंक निफ्टी, ठीक है चलिए। अब इसके ना 3 रूल हैं, मतलब फ्राइडे के दिन डॉट टू डॉट बॉटम पर हम लोग यहाँ पर थे, यहां पर भी अलर्ट दिया था कि टूटेगा तो काउंटिंग जो है चेंज किया जाएगा, मैं आपको काउंटिंग चेंज करने के लिए अपडेट भी किया था कि जब टूटेगा तो चेंज करूंगा मैं, तो टूटा, हम लोगों ने बोला कि मैंने आपको पढ़ाया कि जब भी लीडिंग डायगोनल टूटता है तो 61.8% डायरेक्शन आता है, लेंथ आती है, उसके बाद नॉन स्टॉप 161.8% जो है टारगेट आता है नॉन स्टॉप। ये रूल है, ये मैं अपने घर से नहीं बनाया मैंने, ठीक है ना, मतलब आप नेचर के खिलाफ तो जा ही नहीं सकते जी, ये ध्यान रखना, नेचर में जो चीज है और इजिप्ट में जो चीजें हैं, आप कितना भी वो कर लो, दम लगा लो, या मैं कितना भी दम लगा लूं, वो चेंज हो ही नहीं सकता। तो लीडिंग डायगोनल में कभी भी आप पढ़ोगे, और लकली अगर लीडिंग डायगोनल बन गया तो आंखें बंद करके रखो, मतलब आप बहुत बढ़िया मूव पाने वाले हो 161.8%। जितनी बार निफ्टी में देखो लीडिंग डायगोनल बना था, वे 3rd 261.8% गई थी, और अभी बॉटम है सेकंड में बना और प्राइस जो है 161%, और एक ही डेस्टिनेशन होता है, और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि एक ही डेस्टिनेशन है, अगर प्राइस यहाँ से टूटना शुरू होता है तो ये इसको आपको मार्क करना है, ठीक है ना, और टूटेगा तो वे फोर्थ बनेगा, तो वे फोर्थ बनेगा तो ये क्या करेगा, रूल ऑफ अल्टरनेशन को फुलफिल करेगा। तो रूल ऑफ अल्टरनेशन कहता है कि अगर ये प्राइस जो है कोई करेक्शन है, फ्लैट है कि ट्रायंगल है, वो आपको चेक करना है, मैं आपके लिए दे रखा है, तो ये इतना ही टूटेगा। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनेगा बैंक निफ्टी का वो ये बनेगा कि भाई अगर टूटा तो भी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं आएगी, अगर ये स्पी तो ये वेव फोर्थ का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, और उसके बाद ये वाला तो पेंडिंग है ना, तो मैं आपको यहाँ पर मना करूँगा, तो वेव फोर्थ में पार्टिसिपेट कर सकते हो अपने रिस्क पर, लेकिन मैं सेफ साइड अगर रखना चलना चाहोगे तो आप इसको क्या करना है, इसको ना वो करना, अगर मौका मिले तो इसको फिर बाय करके चलेंगे, और अगला डेस्टिनेशन हमारा सीधा यहाँ तक चलेंगे 55,566, ये भी आएगा, ठीक है ना। तो वे फोर्थ के हम वेट कर लेते हैं, लाइव मार्केट में भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना, अब वे फिफ्थ फाइनल डेस्टिनेशन तो आएगा, ठीक है। तो मैं कॉन्क्लूजन बताऊँ तो कॉन्क्लूजन ये है कि अब सुनो, बैंक निफ्टी क्या दिखाई दे रही है कि 3rd है, अब वे फोर्थ बनेगा, उसके बाद प्राइस जो है फिफ्थ में लीड करेगा, 55,000 प्लस तक जाएगा, दिख रहा है। तो बात बताओ, अगर मान लो कि वो जो टूट के वे फोर्थ जो भी जिसको हम लोग टाइम पीरियड के हिसाब से निफ्टी में पढ़ रहे थे, अगर वो ना टूटा तो उसी तो निफ्टी भी एक्सटेंशन में जाएगी, तो वो जो छोटा सा फॉल देख रहे हो ना, तो वेब 3rd वेब बैंक निफ्टी का वेब 4th इधर कंप्लीट करेगा और उधर वो निफ्टी का एक्सटेंशन कंप्लीट करेगा, एक्सटेंशन में आना स्टार्ट करेगा, 6 मूव बनेगा, ठीक है ना। तो कितना ब्यूटीफुली वो जो है कॉम्बिनेशन बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ठीक है ना, तो उसी के साथ चलना है। बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट करके बताना, लाइव मार्केट में पढ़ते हैं, ठीक है ना।
अपना ख्याल रखना, कुछ भी अगर डाउट हो तो बेझिझक कमेंट करना और बेझिझक क्लास अटेंड करना, ठीक है ना, मिलकर पढ़ेंगे यार, क्यों टेंशन लेते हो, ठीक है ना। सो ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखना, प्रणाम आप सभी को, नमस्ते।